हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर द एसबीआई क्लर्क 2020। दो एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों। 29 जो फरवरी थी उसको 3 शिफ्ट हो चुके हैं दोस्तों। आज है 1 मार्च और दोस्तों इसकी पहली शिफ्ट हो चुकी है। तो दोस्तों जो पहली शिफ्ट थी उसका मैं एनालिसिस लेके आया हूँ दोस्तों। तो जो आने वाली 2 शिफ्ट और है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी है उसकी भी मैं वो जो एनालिसिस है दोस्तों लेके आऊंगा। प्लीज पहले आप फर्स्ट शिफ्ट देख लीजिए और जिसका भी सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ में जो एग्जाम है एक बार सारी जो भी प्रीवियस शिफ्ट है उनके एनालिसिस एक बार आप चेक कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन और को दोस्तों कितनी टफनेस यानी कि जो लेवल रहा क्वेश्चन का यानी कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों जो हमारा डीआई का यानी कि हम देख लेते हैं पहले जो हमारा मैथ्स का सेक्शन था उसमें क्या क्या आया दोस्तों, कितना लेवल था नहीं, कितने किससे कितने क्वेश्चन आए दोस्तों। जो डीआई के क्वेश्चन थे दोस्तों वे बेस्ड थे किस पे बेस्ड थे, लाइन ग्राफ पे दोस्तों। और 5 क्वेश्चन आए हर एक उसमें। डीआई में दोस्तों 10 क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन से आए दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, दी अर्थमेटिक क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछा गया दोस्तों। जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होती है टाइम स्पीड एजेस एंड मेंसुरेशन से दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप टाइम एंड वर्क। दोस्तों देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आए अभी। तो दोस्तों जो हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन थे यानी कि वो टेबुलर फॉर्म में आए दोस्तों हमारे, वे 5 क्वेश्चन थे, इजी लेवल था दोस्तों। नंबर सीरीज थी दोस्तों, मिसिंग थी, आप डिफरेंसेस को सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो दोस्तों इसमें 5 क्वेश्चन आए इजी लेवल के। सिंप्लीकेशन दोस्तों 10 क्वेश्चन इजी लेवल के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन इजी लेवल के दोस्तों। और दोस्तों अर्थमेटिक मिक्सचर एलिगेशन जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी दोस्तों वो क्या रही, इसमें दोस्तों 10 क्वेश्चन आए इजी टू मॉडरेट। और दोस्तों जो ओवरऑल रही तो हमारे 35 क्वेश्चन थे वो दोस्तों इजी रहे हमारे। तो आप चेक कर सकते हो जिसका भी सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ में दोस्तों एग्जाम है, आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। देख लेते हैं दोस्तों इंग्लिश में, इंग्लिश में दोस्तों हमारे कितने क्वेश्चन आए और कितने कितने लेवल के आए यानी कि कितने हार्ड आए कितने वो आए। तो दोस्तों जो हमारे जो आर्टिकल था दोस्तों वो किस पे बेस्ड था, पोल्यूशन बेस पे था दोस्तों जो आर्टिकल आया उसमें लिखने का। चलते दोस्तों देख लेते हैं कि नंबर क्वेश्चन किस सेक्शन में कितने आए दोस्तों, उनका लेवल क्या था। जो आरसी था हमारा दोस्तों उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आए और दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का था दोस्तों। एरर डिटेक्शन करेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों हमें जो चूज करने थे उसके 5 क्वेश्चन आए इजी टू मॉडरेट। सिंगल फिलर आए 3 से 4 क्वेश्चन इजी। पैरा जंबल्स भी आए दोस्तों इसमें 5 क्वेश्चन आए इजी टू मॉडरेट लेवल के दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों ओवरऑल कितना रहा दोस्तों इसका। क्लोज टेस्ट आए दोस्तों 7 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट दोस्तों। जो 32 टोटल क्वेश्चन रहे वो इजी टू मॉडरेट रहे दोस्तों। आते हैं दोस्तों थर्ड सेक्शन पर जो हमारा यानी कि पजल बेस है यानी कि रीजनिंग पे। दोस्तों फ्लोर बेस पजल आई इसमें हमारी, रेक्टेंगुलर बेस सीटिंग अरेंजमेंट आया और दोस्तों रो बेस पजल भी जरूर आई इसमें दोस्तों। एक बार देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हर सेक्शन से यानी कि टॉपिक से और दोस्तों उनका लेवल क्या रहा। 15 क्वेश्चन दोस्तों आए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों, इसका जो लेवल है इजी टू मॉडरेट। और दोस्तों जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है उसमें 5 क्वेश्चन आए इजी इजी लेवल के। और दोस्तों इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 5 क्वेश्चन आए कितने, मॉडरेट लेवल के दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों जो अल्फाबेटिक जो सीरीज होती है 3 लेटर बेस्ड दोस्तों, उसमें 5 क्वेश्चन आए इजी टू मॉडरेट आए ये। और दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन आए बहुत ही इजी था। और दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन आए वो 4 क्वेश्चन आए इजी टू मॉडरेट, ये भी आप देख लेंगे। तो दोस्तों जो टोटल थे 35 क्वेश्चन में बिल्कुल इजी आए यानी कि आसान आए दोस्तों। और जो दोस्तों जो ओवरऑल एनालिसिस है दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एक बार देख लेते हैं कि जो गुड अटेम्प्ट है यानी कि कितने गुड अटेम्प्ट रहे दोस्तों। इंग्लिश जो सेक्शन था दोस्तों उसमें अगर आपने 24 से 26 क्वेश्चन किया दोस्तों गुड अटेम्प्ट है दोस्तों। रीजनिंग में आपने अगर 20 से 25 किया वो भी गुड अटेम्प्ट है। न्यूमेरिकल यानी कि मैथ्स में आपने कितने किए, 25 से 28 अगर आपने किया दोस्तों वे भी आपका गुड अटेम्प्ट है। और दोस्तों जो ओवरऑल रहे दोस्तों अगर आपने 78 से 82 क्वेश्चन किए हैं 1 घंटे में तो दोस्तों आपके लिए सेफ जोन है, आपकी सुरक्षित है दोस्तों। तो दोस्तों अभी सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट आने वाली है, आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगली शिफ्ट दो है, दो को और तेजी से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। इस चैनल को जरूर विजिट करें अगर आपको सेकंड थर्ड या फोर्थ आपको कोई भी शिफ्ट की जानकारी लेनी है, प्लीज चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।